नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं आपकी पुस्तक के सबसे अंतिम पाठ पर, पाठ 16। और पाठ 16 का शीर्षक है तीर्थ यात्रा। चित्र पर आधारित गतिविधि दी हुई है बच्चों। उपयुक्त चित्र हमारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के हैं। उपयुक्त से स्टार्ट कर रही हूँ। उपयुक्त चित्र हमारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के हैं। आप भी कभी ना कभी अपने माता पिता, दादी दादा के साथ तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। अपनी तीर्थ यात्रा के विषय में अपने मित्रों को बताओ तथा साथ ही आपने वहाँ क्या क्या देखा, क्या खाया पिया, यह भी बताओ। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कितने भी पाप कर लो, बस एक बार हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा नहीं है। पुण्य प्राप्ति के लिए हमें अपना आचरण तथा व्यवहार परोपकारी और निस्वार्थ की भावना रखनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी ही स्त्री की कहानी है जो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए धन संचित करती है, लेकिन अपनी निस्वार्थ भावना के कारण तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाती। आइए शुरू करते हैं। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र ना लग जाए। वह उसे खेलने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलने देती। अगर वह कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू ज़रा ज़रा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे और उसके मन में भय बैठ जाता था। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से ना बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दुह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डब डब आ गए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, सिर बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। वह व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था।
वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुख से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुख का साथ ना दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर ना दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते। वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल भेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन ना था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मन्नत मांगी, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। मन्नत मांगने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे उसका संकट टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने ना दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है, परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमज़ोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है और आपकी दवा के प्रभाव का फल है, मैंने क्या किया, मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ, उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुँह से निकाला है। सातवें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ। झांझे और करताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा। लोग खा पीकर आराम करने चले गए। अब लाजवंती ने बक्से में ज़रूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ एक पड़ोसन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने सोचा, इस समय सिसकी भरने वाला कौन है। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। वह छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है, लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती हरो के पास पहुंची और बोली,
माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो और भी सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है, तू इस समय रो क्यों रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे ना छुपा, बता ना तुझे क्या दुख है। हरो ने दुखी होकर उससे पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो ज़रूर कर दूंगी। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती है, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने मंजूर कर लिया है। उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया ना होगी, उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आईं। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी, क्या कन्या कुवारी बैठा कर रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है, उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरों की अवस्था से कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। यह सुनकर हरो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार मथुरा वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर हरों के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, वह उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। सच्चा सुख त्याग में ही है। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। तो बच्चों, लाजवंती ने अपनी तीर्थ यात्रा की परवाह ना करते हुए एक माँ की मदद करी उसकी बेटी की शादी करने में। आगे देखते हैं, कठिन शब्द हैं जो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे, साधारण, आक्रमण, भर्राय, स्वर, व्याकुल, सहानुभूति, सिद्ध, हिचकिचाना, अंदेशा, आशा, निराशा, देह, पाषाण, प्रसन्नता, अनुमान, प्रभात, परिश्रम, झांझे, करताले, सहसा, सिसकी, सन्नाटा, प्रबंध, अपमान, कृतज्ञता। और अब है यहाँ पर शब्द अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे भी। चिंता, परेशानी, मुखमंडल, चेहरा, आक्रमण, हमला, दिव्य, स्वर्ग दूत समान, उदासी, विषाद और अवसाद, अनुमान, अंदाज, अटकल, साधारण, सामान्य, प्रभात, सवेरा और सुबह, व्याकुल, परेशान, घबराना, कमजोर, दुर्बल, वैद्य, हकीम, सहसा, अचानक, अकस्मात, अनुभवी, तजुर्बेकार, सिसकी, रोना, मियाद, सीमा, कुवारी, अविवाहित, अंदेशा, अनुमान, ब्याह, विवाह, शादी, आशा, भरोसा, उम्मीद, प्रबंध, व्यवस्था, निराशा, हताशा, आशाहीन, अपमान, तिरस्कार, सावधानी, ध्यान, देखभाल, अधीर, बेताब, उत्सुक, देह, शरीर, तन, त्याग,
न्योछावर। अब हम करते हैं बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा? लाजवंती का आखिरी पुत्र कौन था? हेमराज। हेमराज को क्या हुआ था? हेमराज को बुखार हुआ था। लाजवंती ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी? लाजवंती ने मंदिर जाकर यह मन्नत मांगी कि हे देवी माँ, हेमराज को ठीक कर दो, मैं तीर्थयात्रा करूँगी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। लाजवंती के पहले पुत्र का नाम था मदन। गांव के वैद्य का नाम था दुर्गादास। लाजवंती ने वैद्य को कितने पैसे दिए? 98। वैद्य ने मियादी बुखार की समय सीमा बताई 10 दिन। लाजवंती ने क्या मन्नत मांगी? तीर्थयात्रा करने की। लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। ये है बच्चों रिक्त स्थान। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। आशा के साथ प्रसन्नता भी आ गई। रामलाल शहर में नौकर था। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। सच्चा सुख त्याग में ही है। सही शब्द पर गोला बनाओ। इसी समय उसे मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे। दुपट्टे के आंचल से 98 निकाली। हेमराज को मियादी बुखार था। तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। ये अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ संवाद हैं, और हमें बताने हैं किसने कहा। हमारे भी तो बच्चे हैं, स्त्रियों ने। सिर में दर्द हो रहा है, हेमराज ने। क्यों बेटी, क्या बात है? वैद्य ने। अच्छा किया, रुपया क्या है? रामलाल ने। आज की रात बड़ी भयानक है, वैद्य ने। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हेमराज की स्थिति देखकर लाजवंती की क्या हालत हो गई? हेमराज की स्थिति देखकर लाजवंती का नारी हृदय कांप उठा और वह बहुत अधिक भय से व्याकुल हो गई। मियादी बुखार किसे कहते हैं? मियादी बुखार टाइफाइड को कहते हैं। यह कई दिनों तक रहता है और इसमें शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है और तेज़ बुखार चढ़ जाता है। लाजवंती क्यों अधीर हो रही थी? जब हेमराज का बुखार नहीं उतर रहा था और उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, तब लाजवंती अधीर हो उठी थी। दिव्य शक्ति ने लाजवंती से क्या कहा? दिव्य शक्ति ने लाजवंती से कहा, तुमने आंसू बहाकर देवी माँ के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती तीर्थयात्रा के लिए कहाँ जा रही थी? लाजवंती तीर्थयात्रा के लिए हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा आदि जा रही थी। लाजवंती ने 200 रुपये का क्या किया? लाजवंती ने 200 रुपये अपनी पड़ोसन को दे दिए ताकि वह अपनी पुत्री का विवाह कर सके। तीर्थयात्रा पाठ के लेखक कौन है? तीर्थयात्रा पाठ के लेखक सुदर्शन है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सच्चा सुख तीर्थयात्रा में नहीं है, सच्चे पुण्य कमाना तीर्थयात्रा में नहीं है, वह है त्याग करने में, किसी के लिए परोपकार करने में, है ना? तो अब आप भी जानते हैं कि सच्चा सुख त्याग में ही निहित है। आभार, जल्दी मिलते हैं।